Good afternoon, everyone. होने का बिफोर वी स्टार्ट द स्पेशल एपिसोड और इंफॉर्मेशन सेशन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. ऑस्ट्रेलिया जो सबका फेवरेट है, था भी और है भी, विच इज एविडेंट. आप लोगों का जो इंटरेस्ट आता है रिगार्डिंग योर ऑस्ट्रेलियन इंक्वायरी विद इन आर ऑफिसेज एंड कॉल्स एंड ईमेल्स, और जो लोग डरे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया को लेके दैट अभी वीजा नहीं मिल रहे, वट एवर द रीजन इज, वट एवर द रीजन इज, उस पर नहीं जाएंगे. द ओनली थिंग इज हाउ ऑस्ट्रेलिया इज शेपिंग अप, क्या बन रहा है उसका, कैसे बनेगा और आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, वी कैन नॉट डिस्कस दैट. सो एज आई सेड, लेट्स वेट फॉर 30 सेकेंड और 1 मिनट बिफोर वी स्टार्ट दिस स्पेशल इन्फॉर्मेशन सेशन. इन द मीन टाइम अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप अपनी क्वेरी रेडी रखिएगा. यू कैन ईमेल अस ऑन आर डिफरेंट कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म. ईमेल कर सकते हैं आप info@ESSglobal.com पे. आप इस इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, फेसबुक लाइव पर क्वेरी छोड़ सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट बैक टू यू विद योर रिस्पॉन्सेज. वेल, ये एपिसोड मेरे को फेसबुक पे भी करना था. देर आर सर्टन इंटरनेट इश्यूज विच आई एम गेटिंग इन माई फेसबुक लाइव, तो इस करके फेसबुक पे आफ्टरनून पीपल आर कॉलिंग, तो इसलिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है आप लोगों से. ओके जी, लेट्स ऑन द काउंटडाउन ऑफ 10 वी शैल स्टार्ट. All right. So welcome to the special information session on Australia. जितने लोग जुड़े हैं थैंक यू, जो बाद में देखेंगे उनका पहले थैंक यू. आई अंडरस्टैंड दोपहर का टाइम है एंड लोग अपने अपने जॉब्स पे होते हैं लाइक वी आर, तो दिस इज द बेस्ट टाइम दैट वी कैन गेट आप लोगों के साथ रूबरू होने का. However, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया इतनी पावरफुल है, आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं. वेल, टुडे एज वी स्पीक इन द मिड ऑफ जून, ऑस्ट्रेलिया के दो मेजर अनाउंसमेंट्स जो उन्होंने किए या बताए या प्रपोज्ड चेंजेस के आने वाले हैं इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर, आई एम गोना डिस्कस दैट विद यू ऑन लेंथ. ये दो लोगों को इंफॉर्मेशन जाननी जरूरी है जो टू पार्टर्स में होगी. पहला इंफॉर्मेशन होगा फॉर द पीपल जो बहुत देर से ऑस्ट्रेलिया की पीआर की फाइल लगाने की सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बट ड्यू टू एनी फैक्टर वो नहीं लगा पा रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है. क्यों? कोई भी कंसल्टेंट उनको शायद आज मना कर रहा होगा, डोंट पुश योर ऑस्ट्रेलिया फाइल, क्योंकि चेंजेस आने वाले हैं. सेकेंड, जो न्यूज दो दिन से आ रही है, वीजा हॉपिंग हैज बीन स्टॉप्ड बाय ऑस्ट्रेलिया. हाहाकार मचा कर रखा है इस न्यूज ने एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. तो ये इन्फॉर्मेशन सेकेंड, ये गुड न्यूज है रादर, इसको मैं ऐसे समराइज करूं फॉर द स्टूडेंट्स. कैसे? ये सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. राइट, तो आप लोगों को मालूम होगा अप्रैल में, आई थिंक मई फर्स्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया ने एक पब्लिक कंसल्टेशन मांगा था गवर्नमेंट ने, दैट आप कौन कौन से वीजा कैटेगरी के अंदर चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं. दे नॉर्मली कॉल्ड इट एट पब्लिक कंसल्टेशन. ये आपको www.iwmi.gov.au पे मिल जाएगा, जहां उन्होंने इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से, कंसल्टेंट्स हो गए, रजिस्टर्ड एजेंट्स हो गए एंड समटाइम कॉमन पब्लिक से भी, वो मांगते हैं हमें अपने इमिग्रेशन सिस्टम में क्या क्या सुधार करना चाहिए. बैकग्राउंड है इसका भी, लेट दिसंबर में रिपोर्ट आती थी जब उन्होंने कहा था वील बी चेंजिंग अवर होल इमिग्रेशन सिस्टम इंक्लूडिंग स्टूडेंट वीजा. वो बड़ा छोटा हिस्सा था स्टूडेंट वीजा, बड़ा प्रोटोकॉल था, बड़ा चीज जो एड्रेस करने वाली थी वो थी इमिग्रेशन सिस्टम, पॉइंट सिस्टम. जब आप स्किल्ड इमिग्रेशन दैट इज 189190 के लिए अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आपको
एक सर्टन पॉइंट टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एज, योर एम्प्लॉयमेंट स्किल क्या आपके पास, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, आपका कम्युनिटी लैंग्वेजेस में कोई होल्ड है, आपके पार्टनर के स्किल क्या है, वर्क एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होते थे तो टोटल करते थे 130. इसमें से आपको 65 लेने पड़ते थे क्वालिफाई करने के लिए, दैट वॉज इंपॉर्टेंट. उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल होते थे. पर पिछले कई देर से, आई से ओवर एन ईयर, ये इनविटेशन टू अप्लाई नहीं आ रहा था ऑस्ट्रेलियन एस्पिरेंट्स को ड्यू टू एबीसी फैक्टर, बिकॉज दे वर चेंजिंग इट इनसाइड. उन्होंने पब्लिक कंसल्टेशन अप्रैल मई में मांगा और आज एक ऑस्ट्रेलिया की बॉडी है ग्रेटन, विच इज अ वेरी रिलायबल सोर्स फॉर लॉट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया, जो अपना डेटा लेके, फीडबैक लेके गवर्नमेंट को कंसल्ट करती है फॉर द चेंजेस विच दे कैन अडैप्ट. एंड अगर आप उनका रिपोर्ट पढ़ना चाहें, व्हाट दे हैव सजेस्टेड, आई विल बी लीविंग दैट लिंक लेटर ऑन दिस इंस्टा ऑल्सो, और आई विल प्रिपेयर ए सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेरी अंडरस्टैंडिंग की तरफ से, उसमें वो लिंक जरूर दे दूंगा ताकि आप उसको पढ़ सकें अगर आप पढ़ना चाहें तो. वेल, व्हाट दे हैव सजेस्टेड, उनका मानना ये है जो करंट पॉइंट सिस्टम है जिसमें आपको आपके एज के, एजुकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के, रीजनल एरिया एजुकेशन के, प्रोफेशनल ईयर के एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आज चलते हैं वो सब बायस्ड है. इट इज नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ द पीपल और इट इज नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ द जॉब सेक्टर जहां पे एम्प्लॉयज चाहिए. सो व्हाट दे हैव सजेस्टेड, दे हैव सजेस्टेड आपका पॉइंट सिस्टम ये 5 पॉइंट 10 पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए. दे हैव सजेस्टेड अ पॉइंट सिस्टम विच हैज 2 जीरोज इन इट, 2 जीरोज इन सेंस. अब इनकी रिपोर्ट की माने तो आप तभी क्वालिफाई करोगे अगर आप 300 पॉइंट्स को हिट करोगे. आज की डेट में 65 पॉइंट्स हिट करने वाला क्वालिफाई करता है. इनकी रिपोर्ट की माने तो 300 पॉइंट वाला उसको एलिजिबल है पीआर की लाइन में लगने के लिए. एंड जिसके 400 पॉइंट्स हैं वो आईटीए लेने के चांसेस बनते हैं. वेल, एक तरह से बॉम्ब आया. आज हम 65, 10, 15 पॉइंट्स की बात करते हैं, ये हंड्रेड्स में कैसे पहुंच गया. तो आई विल जस्ट रन ए ब्रीफ जो टेबल उन्होंने रेकमेंड किया है विद यू गाइस, कैसे कैसे व्हाट दे हैव सेड चेंजेस आने चाहिए. तो सबसे पहला फैक्टर है एज का. करंट पॉइंट सिस्टम में जैसे अगर आप 18 से 25 साल के हैं तो आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं. दे हैव सजेस्टेड इस एज ब्रैकेट को 95 पॉइंट्स दिए जाए. 95. अगर आप 25 से 33 साल में हैं आपको करंट 30 पॉइंट मिलते हैं. 30. दे हैव सजेस्टेड 21 टू 29 आपको 100 पॉइंट मिलने चाहिए. अगर आप 33 से 40 साल के अंदर हैं तो आपको 25 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप 40 से 45 साल में हैं आपको 15 पॉइंट मिलते हैं करंट इमिग्रेशन सिस्टम में. वेयर इज व्हाट दे हैव रिकमेंडेड, 29 साल तक 100, आपने 30 हिट किया 95, 31 हिट किया 90. सो एवरी ईयर आपके 5 पॉइंट कम होते रहेंगे रादर देन स्टैंडर्ड रखना एक ब्रैकेट को. सो एवरी ईयर यू आर सब्ट्रैक्टिंग 5 पॉइंट्स फ्रॉम योर होल 100 पॉइंट्स. ये मॉडल सुना हुआ लगता है. कैनेडा फॉलोज द सेम काइंड ऑफ मॉडल जिसमें एवरी बर्थडे के साथ आपके पॉइंट्स ड्रास्टिकली कम होते रहते हैं. एंड वंस यू क्रॉस द एज ऑफ 45 द पॉइंट ऑफ द एज बिकम्स 0. ये फैंटास्टिक नहीं है, ये 0 है. तो आप 0 लेंगे जब आप 45 क्रॉस करेंगे, बट 45 तक पहुंचते यू विल गेट, आपको उसके नीचे 40 पॉइंट्स तक मिलेगा 38 एंड अबव का टिल 45. सो ऐसे ये हर पॉइंट का 5 पॉइंट कम होते रहेंगे इन देयर रिकमेंडेशन. सो दैट्स हाउ यू गेट मैक्सिमम पॉइंट. अगर कोई 30 से नीचे यूथ है 29 तक, 100 पॉइंट मिलते हैं. दैट गिव्स अ गुड माइलेज 300 पॉइंट को हिट करने का. सेकेंड इज योर एजुकेशन लेवल. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. करंट जो पॉइंट सिस्टम है जैसे PhD 20 पॉइंट्स, मास्टर्स 15, डिप्लोमा 10, मास्टर्स एंड बैचलर्स 15 टुगेदर, एंड प्रोफेशनल ईयर जो आप ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, इफ यू आर एन आईटी ग्रेजुएट, इफ यू आर
अकाउंटिंग ग्रेजुएट आपके पास ऑप्शन होती है एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑब्वियसली, तो आप उसके बाद प्रोफेशनल ईयर करके 5 एक्स्ट्रा पॉइंट आप अपनी प्रोफाइल में जोड़ सकते हो। एंड ऑस्ट्रेलियन स्टडी पॉइंट, 5 पॉइंट हम सबको मिलते हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाई पूरी करते हैं। व्हाट दे हैव सजेस्टेड, पीएचडी के 60 पॉइंट्स। उसके बाद अगर आपने बैचलर डिग्री फिनिश की है दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटी से, जी हां टॉप 20 यूनिवर्सिटी से, आपको मिलेंगे 45 पॉइंट्स। अगर आपने नॉर्मल बैचलर डिग्री की है बाकी सब यूनिवर्सिटी से, नॉट नॉर्मल, बाकी सब यूनिवर्सिटी से, आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। और इसके अलावा आप सर्टिफिकेट 3 और डिप्लोमा कर रहे हैं, यू गेट 15 पॉइंट्स फॉर योर एजुकेशन। लेकिन 60 से शुरू होके 15 तक नीचे आते हैं, विच इज अगेन इसमें इंटरेस्टिंग कैटेगरी क्या है, दुनिया की 20 टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बैचलर डिग्री के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। कोई रीजन होगा, दे मस्ट बी अट्रैक्टिंग स्पेशल टैलेंट जो दुनिया भर की तलाश में है, क्योंकि 20 यूनिवर्सिटीज दुनिया की महंगी भी होंगी, अच्छी भी होंगी, स्कॉलरशिप भी बहुत होंगे इधर में। तो इफ यू आर फ्रॉम दैट 120 टॉप यूनिवर्सिटीज, इसका भी वेब लिंक आपको बाद में दे दूंगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं क्या वो आती है या नहीं आती, एंड देन यू कैन गेट ओके दिस इज अ पॉइंट विच आई एम गेटिंग इन टू। देन कम्स इंग्लिश लेवल। आज अगर आप प्रोफिशिएंट लेवल पे हैं, दैट इज 7 ईच, आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। दे हैव रिकमेंडेड प्रोफिशिएंट लेवल को हटा के उसको वेरी गुड कर दिया जाए, 7 ईच, तो आपको मिलेंगे 45 पॉइंट्स फॉर दैट। अगर आप सुपीरियर इंग्लिश बोलने वाले हैं, दैट इज 8 अबव, तो आपको आज मिलते हैं 20 पॉइंट्स। दे हैव रिकमेंडेड आप सुपीरियर इंग्लिश को हटा के वर्ड को उसको एक्सेलेंट इंग्लिश कर दो एंड यू गेट 90 पॉइंट्स फॉर इंग्लिश, 100 फॉर द एज, 90 फॉर द इंग्लिश, एंड डिग्री अगर आप नॉर्मल भी करते हैं तो 30 आप इसको ऐड कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग समवेयर क्लोज टू 300। स्टडी इन रीजनल एरिया, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, और जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल ईयर के पॉइंट मिलते थे, they have said zero to it, no points to be given for those extra perks, ताकि कहीं ना कहीं जाके सब equal हो PR की list। आज single होना एक advantage बन गया है applicant का, जो PR लेना चाहता है 90 point automatically मिलेंगे। single हो, 29 साल उम्र है, competent English है, degree की है, आप 300 cross कर चुके हो अभी तक। अगर married हो तो आपके स्पाउस को भी अपने वो 8 प्लस और डिग्री लेके 90 पॉइंट्स कमाना पड़ेगा, तो आप 90 माइनस करना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो आप देख सकते हो। अगेन नो रीजनल पॉइंट्स टू बी गिवन, आप कहीं रीजनल एरिया में पढ़ते हो कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको। देन कम्स नाटी का एग्जामिनेशन, ये वो एग्जामिनेशन होता है जब आप एक एक्स्ट्रा कम्युनिटी लैंग्वेज करते हो, ये उनकी लिस्ट है लैंग्वेज की, ये उन्होंने इस करंट सिस्टम में 5 पॉइंट मिलते हैं, नए सिस्टम में 20 मिलेंगे, 20। अगेन यू कैन अर्न पॉइंट फ्रॉम दैट। देन कम्स योर वर्क एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंगली आज एक साल एक्सपीरियंस वाला 0 पॉइंट पर रुकता है आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, 1-3 साल वाला 5 पॉइंट पर रुकता है, 5-8 15 पर रुकता है, एंड सो ऑन। वेयर इज नए पॉइंट सिस्टम में आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर चुके हो, कर रहे हो, या इंडिया में कर रहे हो, आपका स्किल लेवल 1 है, स्किल लेवल 2 है, 50 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए टू हिट बैक दैट ब्रैकेट। इंटरेस्टिंगली इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और आता है, क्या? अगर आप हाई पेइंग जॉब में हो, स्टार्टिंग फ्रॉम $70,000 अ ईयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और या इंडिया को आप सेम पैरामीटर पे ला सकते हो, आप 30 पॉइंट से लेकर 90 पॉइंट तक जाते हो, $1,20,000 सैलरी अगर आपका एनुअल पैकेज है तो, यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स और एक्स्ट्रा पर्क्स फॉर दैट। दिस इज समथिंग विच हैज बीन प्रपोज्ड इन द ग्रैटन रिपोर्ट। क्या यह लागू होगा? वेल, अभी तक जो इनकी रिकमेंडेशन है ठीक ठाक तरीके से लागू हो चुकी है, लोग पीछे पास के अंदर लागू हुई है, सिर्फ दिस इज वट इज कमिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया इन दिस ईयर। क्या इसमें पिक होगा, क्या इसमें अमेंड होगा, या क्या इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगा, वो टाइम बताएगा। स्किल असेसमेंट अभी भी रखी है उन्होंने, उन्होंने उसको नहीं कुछ छेड़ा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इमिग्रेशन।
ये पॉइंट कैसे बनाने हैं आपने, ताकि आपके पास एक अनड्यू एडवांटेज होता था रीजनल एरिया में जाके बसने का, पढ़ने का, एक्स्ट्रा पॉइंट लेने का, वो हटा दिया जाए, क्योंकि एवरी इमिग्रेंट कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया शुड बी ट्रीटेड इक्वली, किसी के पास ऐसा अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए। डज दैट मीन क्या स्टेट नॉमिनेशन को हटा देगा? वेल आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग टू सी आने वाले कुछ महीनों में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और क्या इंप्लीमेंट करेंगे। बट एक चीज तय है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लीनिंग एवरीथिंग, ताकि वो एक नए तरीके से पूरे सिस्टम को शुरू कर सके। सेकेंड पॉइंट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो इसी ल्यू के अंदर है। कौन सा ल्यू? दो दिन पहले रादर कल ही जो न्यूज आती है, वीजा हॉपिंग फ्रॉम टूरिस्ट वीजा और 485 स्टूडेंट पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बैक टू स्टूडेंट वीजा बंद कर दी गई है। और कल से इतने वीडियोस देख चुका हूं मैं जो हाहाकार मचा चुके हैं, बैड न्यूज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ब्ला 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 ब्ला। वेल, किसके लिए बैड न्यूज? स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज और टूरिस्ट वीजा वालों के लिए बैड न्यूज, जिनकी इंटेंशन पढ़ने की नहीं है, टूरिस्ट वीजा लगवा के वहां पे जाना और वहां पे कोई भी डिप्लोमास में एडमिशन लेके 2 साल का वीजा बढ़ा के वहां काम करना, जिसका हर्जाना, जिसका लॉस होता था एक्चुअल स्टूडेंट को, जो आज इंडिया से जाना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी पीआर की वेट कर रहे हैं, बट ड्यू टू द नंबर इंक्रीजिंग इन अ स्टूडेंट वीजा कैटेगरी, जो एक्चुअली में स्टूडेंट ही नहीं है, उन्होंने उन सब चीजों पे एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया इन टर्म्स ऑफ ये स्टूडेंट है। जैसे पिछले रिपोर्ट आपसे डिस्कस की थी, तकरीबन 5 लाख परमानेंट टेम्पररी बच्चा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जिनके पेरेंट्स कहते हैं 7 साल हो गए जी हमारे बच्चे को पीआर नहीं मिली, क्योंकि गया डिग्री पे था, फिर डिप्लोमा में शिफ्ट हो गया, डिप्लोमा से आगे उसमें वीजा बढ़ा रहा है, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, घर पे फोन आता है 1.5 लाख रुपया भेज रहा हूं, 2 लाख रुपया भेज रहा हूं, बढ़िया है, पर क्या ऐसे स्टूडेंट्स को, क्या ऐसे एप्लीकेंट को पीआर एक्सपेक्ट करनी चाहिए? द आंसर इज नो। न्यू पॉइंट सिस्टम इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स दैट। खींच के भी आप पूरी तरह लेट के भी 300 पॉइंट नहीं बना पाओगे डिप्लोमा वाला। दैट इज वेयर इट इज हेडिंग टू। सेकेंड, 485 जो टेम्पररी वीजा होता है, जो पढ़ाई के बाद आपको मिलता है 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का, डिपेंडिंग कहां पढ़े हो, अगर उसके बाद भी आपको स्टूडेंट वीजा में वापस आके अपना वीजा एक्सटेंड करना पड़ रहा है, दैट इटसेल्फ मींस यू आर नॉट ए जेन्युइन स्टूडेंट। आप अपने आप को पढ़ाई और 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बाद भी उस काबिल नहीं बना पाए हो कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी दी जाए। सीपीआर का एक ही वर्ड होता है, कोई भी वेबसाइट आप पढ़ो, यू नीड टू बी शो दैट यू आर एलिजिबल एसेट टू द कंट्री। टैक्सी चलाना, पैसे कमाना एसेट में काउंट नहीं होता। ऑनेस्टली एसेट जहां आप उनके एक वर्कफोर्स का हिस्सा हो, वर्कफोर्स वो जो मशीन से रिप्लेस ना हो पाए। अगर आपकी रिप्लेसमेंट मशीन है, दैट मीन्स योर स्किल इज नॉट इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ, अपग्रेड योर सेल्फ। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज जो उन्होंने वीजा हॉपिंग को बंद किया। क्यों? आज जेन्युइन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए लाइन में लगा के बैठा है इंडिया के अंदर, वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे परमानेंट टेम्पररी लोगों की सफाई करने में लगी हुई है। ये सारे रिफॉर्म उसी एंगल से आ रहे हैं। जब ये कैटेगरी हॉपिंग बंद हो जाएगी, दैट मीन स्टूडेंट वीजा के अंदर एक्चुअल स्टूडेंट रहेगा, हॉपिंग कहीं किसी और कैटेगरी से स्टूडेंट वीजा कैटेगरी में हॉप करके नहीं आया, कूद के नहीं आया, कन्वर्ट करके नहीं आया, और जिसका इंटेंशन पढ़ने का पहले दिन से नहीं था। सो दिस इज अ गुड न्यूज, गुड टाइम्स विल बी कमिंग फॉर श्योर। ये सारी सफाई का हिस्सा है। ये बैड न्यूज किसके लिए है? जिसने सोचा था मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, कोई भी छोटा मोटा कोर्स लूंगा, कुकरी का या मतलब और बहुत सारे कोर्स चलते हैं वहां छोटे छोटे कॉलेजेस में, वहां पे लेके वीजा बढ़ा लूंगा 2 साल का, पैसे कमाऊंगा, फिर देखेंगे क्या करना है। आई मीन ऑस्ट्रेलिया की हद तो इतनी है। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम समवन अभी लेटली दैट माय वाइफ जो ऑस्ट्रेलिया में गई है टूरिस्ट वीजा पे, शी इज आस्किंग फॉर अ डिवोर्स, क्योंकि वहां पक्के होना है किसी और से शादी करा के। लुक एट द क्रेज दैट पीपल आर गेटिंग इन देयर ब्रेन। रिलेशनशिप एक तरफ है, प्रैक्टिकल रियलिटी एक तरफ है,
किस चीज की अच्छी जिंदगी सोच रहे हो जब अपने अपने साथ नहीं है। वेल प्रैक्टिकल फैक्ट है, हर कोई प्रैक्टिकल सोचता है, हक भी है, आप फ्री वर्ल्ड यू कैन डू इट, बट द पॉइंट इज जो वीजा कैटेगरी जिसके लिए बनी है उसके अंदर स्टिक रहोगे यू विल रीच द डेस्टिनेशन। फ्रॉम लास्ट सिक्स मंथ्स आई हैव बीन रेगुलरली सेइंग इट, जो मकसद पढ़ाई करने गए हो चेंज ना करो, चेंज बिल्कुल ना करो, क्योंकि बाय द एंड में आके जब आपकी पढ़ाई या वीजा पूरा होना ना या पूरे होने की कगार पे होना है, भले आपने करोड़ रुपया इंडिया भेज दिया हो बट यू विल मिस द लाइफस्टाइल दैट यू हैव ओवर देयर। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत पैसे इंडिया भेजे बट वहां का लाइफस्टाइल मिस होने की वजह से वापस इंडिया आके वो पैसे किसी और देश में जाने को लगाए क्योंकि यहां रहा नहीं जाता। दैट्स अ कॉमन स्टेटमेंट जो मैं सुनता हूं। तो अगर आप पहले दिन से दूसरी बार जो आपने दूसरे कंट्री में जाके अपनी प्लानिंग करनी है, पहले दिन से ऑस्ट्रेलिया की ही प्लानिंग सही तरीके से करो, सब कुछ देख के, सब कुछ पढ़ के, सब कुछ समझ के, यू विल नॉट एंड अप उस बॉटलनेक के अंदर जहां आपको सफोकेशन फील हो, जहां आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाए। मैं इंडिया नहीं आ सकता क्योंकि मैं यहाँ इस वीजा पे हूं, ब्रिजिंग वीजा पे हूं, और घर वालों के दुख सुख में शामिल नहीं हो सकता। आई डोंट नो वो बाहर की लाइफ कैसे लाइफ होगी। वेल एज अ कंसल्टेंट इफ यू आस्क मी इट्स अ वेरी गुड न्यूज, एटलीस्ट जो पीआर रुकी हुई थी उसके इंडिकेशन आने शुरू हो गए हैं दैट दे विल बी ओपनिंग अप वेरी सून, चाहे नए फॉर्मेट में आएंगे। एंड अगर आप फॉर्मेट जो मैं समझ पा रहा हूं, इट इज नॉट सिंपल बट इट इज नॉट दैट वेरी हार्ड टू, क्योंकि अब हर बंदा 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद विल हैव इक्वल पॉइंट, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे वो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया का हो। करंट सिस्टम में इन ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस के पॉइंट आपको ज्यादा मिलते हैं कम ड्यूरेशन के अंदर, सो दैट्स अ गुड थिंग। सेकंड, वीजा हॉपिंग एज आई ऑलरेडी मेंशनड, इट्स अ गुड न्यूज फॉर स्टूडेंट, बी हैप्पी अबाउट इट। आने वाले 3 या 6 महीने में ऑस्ट्रेलिया विल बी हिटिंग बैक पूरी सफाई करके। अगर आपको भी ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपका कोई स्पेसिफिक इस चीज को जो मैंने अभी 20 मिनट आपको जो बात की, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट अस टू कॉन्टेक्ट अस एट आर नंबर्स ऑन आवर फेसबुक, ऑन आवर इंस्टा पेजेस। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू शेयर इट, आपके सर्कल में कोई ना कोई होगा जो आज पीआर की प्लानिंग कर रहा होगा या